दोस्तों हर साल मूवी आती जाती रहती है, कोई बड़ा चेहरा लेकर आता है, कोई बड़ा डायरेक्टर का नाम लेकर आता है अपने साथ, कोई बड़ा बिग बजट लेकर आता है, लेकिन उसी के बीच में कोई ऐसी मूवी हिट होकर चली जाती है, ना कोई जिसके पास कोई बड़ा स्टार है, ना कोई जिसके पास कोई बड़ा डायरेक्टर का नाम है, या फिर कोई बड़ा बजट भी ना हो। लाइक अगर हम कांतारा की बात कर लें, इतने छोटे से बजट वाली वो मूवी जिस हिसाब का सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर लेके गई है, उस जैसी मूवी ना अभी तक आई थी और ना कभी आने वाली है। मतलब इतने छोटे से बजट में वो कमाल धमाल करना। उसी चीज़ पर, वही नक्शे कदम पर भाई हनुमान मूवी भी चलते नजर आई है इस साल, जो सुपर हीरो फिक्शनल बेस पर जो डिवोशनल कनेक्शन, मतलब हनुमान के साथ कनेक्शन दिखाया सुपर हीरो फिक्शन के साथ, ये डेडली कॉम्बिनेशन भाई लोगों का दिल लूट के ले गया है। और इस 40 करोड़ के छोटे से बजट वाली मूवी ने जो जबरदस्त कमाई करी है, बड़ी बड़ी मूवीज से इसे कंपेयर करा गया, बड़ी बड़ी मूवीज हमने इस साल या फिर देख पिटते देखी हैं, लाइक आदि पुरुष की बात कर ले भाई साहब, उस जैसी टट्टी रद्दी मूवी मेकर्स ने बहुत बहुत कोशिश करी उस मूवी में, यानी आदि पुरुष में प्रभास जैसा बड़ा चेहरा डालने की, है ना, डायरेक्टर बड़ा नाम डालने की, उसके बाद बड़ा बिग बजट डालने की, भाई साहब 550-600 करोड़ मूवी को बनाया गया। मतलब मेकर्स ने बहुत कोशिश करी कि जनता को जैसी भी तरह बरगला के लाया जाए। रामायण का कॉन्सेप्ट बार बार दिखाया गया है, मूवी बिल्कुल भी रद्दी थी, कंटेंट रद्दी था। दैट्स वाई कि कहा जाता है कि भाई पब्लिक इज द किंग, कंटेंट इज द किंग। लोगों को परख है मटेरियल की, उसकी वैल्यू की, जो हमें भाई हनुमान मूवी से साफ नजर होते आई है। लोगों ने मूवी को बहुत प्यार दिया, देना भी चाहिए, क्योंकि भाई मूवी में बहुत अच्छी डिटेलिंग है। कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बड़े बजट नहीं है, 40 करोड़ का मात्र छोटा मोटा बजट है, छोटे मोटे चेहरा है जो बिग स्टार, मतलब जो मेन लीड पर है, उसके बाद डायरेक्टर भी कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है स्ट्रेटेजिकली, मेकर्स ने जो दिमाग लगा के काम किया है, वो दमदार था। भाई डिवोशन के साथ सुपर हीरो फिक्शनल जो डेडली कॉम्बिनेशन दिया है, जो लोगों को हिट करके गया है, नो डाउट भाई कहानी कॉन्टेंट दमदार है। हिस्टोरिकल कनेक्शन में हनुमान के साथ जो डिटेलिंग दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, और जो उनकी अंजनाद्री जो हिल था भाई, उस चीज़ से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया है। दैट्स वाई कि लोगों को ये हिट भी करके गई है। और सुपर हीरो जॉनरा में भाई विजुअल इफेक्ट की अगर बात कर लें, क्योंकि मूवीज सुपर हीरो जॉनरा में हमें विजुअल इफेक्ट्स के दम पर ही चलती हैं, और वो चीज़ें बहुत दमदार होते नजर आई। अगर आदि पुरुष से कंपेयर कर लें भाई साहब, 550-600 करोड़ की वो रद्दी मूवी, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स के नाम पर सिर्फ छोटे मोटे एनिमेशन थे, कार्टून के एनिमेशन, लेकिन इस 40 करोड़ के बजट में बनने वाली मूवी हमारी विजुअल इफेक्ट में उस मूवी को कहीं बुरी तरीके से लताड़ा है। दैट्स वाई कि ये मूवी थिएटर हाउस पर लंबी भी टिकी, और ऐसा नहीं है कि ये सिंगल रिलीज हुई थी भाई साहब, इसके सामने बहुत सी मूवीज रिलीज हुई थी, बड़े बड़े स्टार की मूवीज रिलीज हुई थी। लाइक हम साउथ की ही बात कर लें तो गंतूर कारम, देन उसके बाद कैप्टन मिलर रिलीज हुई है भाई, महेश बाबू और धनुष की सुपरस्टार धनुष भी बहुत जानदार फैन फॉलोइंग है साउथ में, बावजूद उसके भाई हनुमान मूवी इनसे बेहतर कमाई करके गई है। इंडियन नेट कलेक्शन अगर बताऊं तो अभी तक लाइफ टाइम कलेक्शन इस मूवी का कितना हो चुका है भाई, 180 करोड़ के आसपास इंडिया नेट से कमा चुकी है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 212 करोड़ और ओवरसीज कलेक्शन 54 करोड़ के आसपास, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 267 करोड़ 25 लाख के आसपास इस मूवी का हो चुका है, जो मल्टीपल लैंग्वेज में मूवी को रिलीज कराया गया था, ना कि सिर्फ इंडिया में। भाई इंडिया में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में तो कराया गया था, बाकी 3 लैंग्वेज और में रिलीज कराया गया था। तो मूवी की अपार सफलता के बाद डायरेक्टर ने इसके सिक्वल की बात भी करी, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में वो हमने हनुमान का जो क्लाइमैक्स देखा था ना भाई, वो बिल्कुल रोंगटे खड़े करके गया था। सेकंड पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जय हनुमान हमें देखने को मिलेगी इसका सेकंड पार्ट, वो भी कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा। तो भाई मैं लास्ट में यही बात कहना चाहूंगा कि किस किस लोगों ने ये मूवी को देख लिया है, देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सेकंड पार्ट के लिए कौन कितना एक्साइटेड है, आदि पुरुष मूवी से ये बेटर है या नहीं है, ये आप लोग बताएंगे।